जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कानपुर मेट्रो का आपको ब्रिज दिख रहा है, इसके ऊपर से कानपुर मेट्रो रन करेगी। और ये ब्रिज जो है कल्याणपुर आईआईटी गेट के पास जो है इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये काफ़ी लंबा दिया है, अप्रॉक्स एक किलोमीटर, डेढ़ एक से डेढ़ किलोमीटर जो है ये ब्रिज बन के इन्होंने बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत ही मतलब कहते नहीं है, बहुत जो स्पीडली फास्ट काम हो सकता था उन्होंने किया है कानपुर गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉलेज इन्फो में कि जिस प्रकार से कानपुर मेट्रो में जो वर्क चल रहा है रात एट द नाइट पीरियड, ये काबिले तारीफ है। यानी कि गवर्नमेंट जो है नाइट में भी वर्क करवा रही है, यानी इवनिंग में भी, और ये काबिले तारीफ है। वाकई में देख करके बहुत खुशी होती है कि भारत सरकार कितने अच्छे से पब्लिक के लिए, यानी कि कानपुर के पब्लिक के लिए वर्क करवा रही है, कानपुर स्मार्ट सिटी की यूनिवर्सिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि नाइट विजन में कानपुर मेट्रो में जो वर्क है वो कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। और यहाँ पे जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ यानी कि जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे वर्कर्स और लेबर्स, यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनका बस एक ही मेन टारगेट है कि बहुत जल्द से जल्द जो है कानपुर मेट्रो को का स्वागत करना कानपुर देशवासियों के लिए और कानपुर वालों के लिए, कानपुर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, जिससे कि जो बाहर से भी जो लोग पर्यटक आते हैं उनको भी कानपुर जो स्मार्ट सिटी लोग बोलते हैं वो उसका लुत्फ जो है वो लोग भी उठा सके और कानपुर का जो नाम है कानपुर में जो देशवासियों का जो नाम है भारतवर्ष का वो उज्ज्वल हो सके। यानी कि कानपुर जो महानगर बोला जाता है उसको महानगर की उपाधि सर्वश्रेष्ठ तौर पर मिल सके और कानपुर को मेट्रो जो है उसमें चार चांद लगा सके। कानपुर मेट्रो में नाइट में भी वर्क चला, यानी कि इवनिंग में भी कार्य चला। कानपुर मेट्रो में जो वर्कर्स हैं वो जुटे हुए हैं, आपको जो है कानपुर मेट्रो में जल्द से जल्द जो है कानपुर मेट्रो में स्टार्ट कराने के लिए मेट्रो को। और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को आप देखने लग रहा है कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रात में भी इवनिंग में भी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो है यूपी एमएसआरसी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम बहुत ही फास्टली चल रहा है।